जय हिंद, फ्यूचर ऑफ इंडिया प्रोसेसिंग का स्वागत है। इस वीडियो में लोग इलेस्टोन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक ऐसी छोटी सी कंपनी जिसने अपने निवेशकों को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद शानदार कमाई कराया, लेकिन कुछ ऐसे निवेशक भी हैं जो लोग इस कंपनी के बढ़ते हुए शेयर प्राइस को देखकर पैसा लगाया और उनका पैसा फंस गया। दूसरे शब्दों में कहें तो उनका पोर्टफोलियो अभी से स्टॉक की वजह से माइनस में चल रहा है, रेड निशान में चल रहा है, तो उन्हें स्पेशली क्या करना चाहिए इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। साथ में कोई ऐसा व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि इस स्टॉक ने तकरीबन 1300% का शानदार रिटर्न दिया है जब से स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ तब से, तो क्या आगे भी ऐसा रिटर्न दे सकता है, क्या हमें इसमें पैसे लगाना चाहिए? आपको हर एक बातों का जवाब आसान भाषा में मिलेगा, आप लास्ट तक बने रहिए। देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तकरीबन इसने 0.73% के आसपास का शानदार तो नहीं कहेंगे, प्राइस कम होने के बाद इस प्राइस सेशन में क्लोजिंग दिया है तकरीबन 4% गिरावट के साथ। देखेंगे एक एक दिन में ये स्टॉक 4% के आसपास गिर रहा है, तो बात कहीं से भी शानदार नहीं है। और पिछले एक सप्ताह में देखेंगे तो एक सप्ताह में भी तकरीबन 4% के आसपास ये स्टॉक टूटते हुए आपको नजर आएगा। एक मंथ की बात करें तो एक मंथ में भी देखेंगे तकरीबन 10% के आसपास ये स्टॉक टूटा है। जितने तेजी से स्टॉक चढ़ा था ना दोस्तों जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था उसके बाद, उतनी ही तेजी से स्टॉक नीचे की तरफ जाते हुए आपको दिख रहा है। और जब से इसने स्प्लिट और बोनस किया है अपने स्टॉक को, तो आपको पता है शुरू में इसने स्प्लिट और बोनस एक साथ दिया था, तो उसके बाद से क्या हुआ था कि स्टॉक इसका जो शेयर प्राइस है कम हो गया। आपको पता है स्प्लिट और बोनस मिलने के बाद शेयर प्राइस कम हो जाता है एडजस्टमेंट के बाद। और अभी देखेंगे सिक्स मंथ की बात करें तो सिक्स मंथ में स्टॉक तकरीबन 96% के आसपास टूटा है। आप सोचिए कि सिक्स मंथ में तकरीबन इसको सिक्स मंथ हो गया लगभग शेयर मार्केट में लिस्ट हुए, लिस्टिंग के बाद से कोई स्टॉक यदि 96% के आसपास टूट जाता है तो ये कम बात नहीं होती है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इलेस्टोन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड के यदि कामकाज की बात करें तो ये कंपनी इंगेज्ड है। किस चीज़ के बिजनेस में इंगेज्ड है तो आप देखेंगे ये डीलिंग करती है। किस चीज़ में डीलिंग करती है तो ट्रेडिंग टेक्सटाइल के बिजनेस में कंपनी डीलिंग करती है, यानी कि टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट एक कंपनी बनाती है और उस प्रोडक्ट को खरीद फरोख्त करती है, उससे इस कंपनी की कमाई होती है। देखिए टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है, आपको पता है टेक्सटाइल सेक्टर के जितने भी टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है सबके शेयर प्राइस इन दिनों उछाल में नहीं है। शेयर प्राइस देखेंगे तो सभी टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनियों के शेयर प्राइस हल्का थोड़े से नीचे ही जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल यदि इस कंपनी की बात करें तो इसमें कुछ अलग ही लफड़ा है। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, देखिए आपको पता है कि जब कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी पिछले साल नवंबर दिसंबर के आसपास, तो उस समय मतलब शुरू में इसने 1:10 का स्प्लिट और बोनस दे दिया था, जिसकी वजह से स्टॉक में खूब शानदार रिटर्न देखने को मिला था और लिस्ट हुआ था तो आईपीओ के समय भी लोगों ने इसमें पैसे बनाए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब बोनस और स्प्लिट मिला तो उसके बाद शेयर प्राइस, आपको पता ही है कि बोनस और स्प्लिट मिलने के बाद शेयर प्राइस कम हो जाता है। अब इस कंपनी के थोड़े से फंडामेंटल की बात करते हैं तो जैसे देखेंगे अभी कंपनी का फंडामेंटल तकरीबन 100 करोड़ के आसपास है, तो तकरीबन 100 करोड़ के आसपास की जो कंपनियां होती है वो इस लिहाज से ठीक होती है कि उसमें थोड़ी बहुत मजबूती होती है। शेयर प्राइस देखेंगे तो इस कंपनी का शेयर प्राइस बुक वैल्यू से कम हो गया, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। बुक वैल्यू से शेयर प्राइस हमेशा ज़्यादा होना चाहिए और रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस में है, जो कि कतई ठीक नहीं है। स्टॉक का पीई भले आपको सस्ता दिख रहा है लेकिन आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा ना तो आपका जो मतलब आप शेयर में पैसा लगेगा उस शेयर पर आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में है। चार्ट पर तो आप देखेंगे कि ये एम पैटर्न बनाकर स्टॉक का प्राइस नीचे ही आया है, तो जब एम पैटर्न बनता है तो प्राइस नीचे ही आता है। अब नीचे क्या होगा कि जब डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तब प्राइस ऊपर जाएगा, और अभी डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बनते हुए नहीं दिख रहा है। अभी देखेंगे तो अभी इस स्टॉक का जो मतलब चार्ट है वो ये बता रहा है कि स्टॉक अभी कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। जब इससे बाहर निकलेगा और तकरीबन इस लेवल के आसपास आकर सस्टेन करेगा, यहाँ पर जब सस्टेन करेगा इस कंपनी का शेयर प्राइस, तब फिर इसके प्राइस को ऊपर निकलने के चांसेज रहेंगे। और ये कब सस्टेन करेगा? जब कंपनी के फंडामेंटल बेहतर होते हुए दिखेंगे। अभी देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट की यदि बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट में पाएंगे कि अभी इस कंपनी के क्वार्टर फोर के नतीजे नहीं आए हैं। जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया था उसमें यदि सेल्स की बात करें तो सेल्स देखेंगे, सेल्स पिछले कुछ क्वार्टर में आपको बढ़ते हुए जरूर दिखेगा पिछले कुछ क्वार्टर में। तो और सेल्स की बदौलत यदि कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 1-8-3 क्वार्टर में लगातार इस कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कंपनी का फंडामेंटल बढ़ रहा है, और फंडामेंटल जब बढ़ेगा तो मजबूत ही होगा, फंडामेंटल मजबूत होगा तो शेयर प्राइस में तेजी आएगी ही आएगी। इलेस्टोन इंडिया टेक्सटाइल्स जो कंपनी है इसमें आपका इन्वेस्टमेंट है, तो मैं कहूँगा कि अब आप आराम से इसमें समय दीजिए, टाइम दीजिएगा, तो आने वाले समय में स्टॉक आपको निराश नहीं करेगा, क्योंकि जिस सेक्टर की कंपनी है सेक्टर में जब तेजी आएगी तो इस स्टॉक में भी तेजी आएगी। और जैसे मैंने बताया फंडामेंटल तो कंपनी का मजबूत हो ही रहा है, तो आपको इसमें समय देना चाहिए। नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी मैं सलाह नहीं दूंगा, बाकी यदि आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इस स्टॉक में पैसे लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। उम्मीद करता हूँ इलेस्टोन टेक्सटाइल के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई भी कन्फ्यूजन है, सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ट्रेडिंग करके रोज़ आपका रेगुलर इनकम बनाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पेमेंट स्टॉक के साथ अपना फ्री डिमेट अकाउंट ओपन करा लीजिए, उसका लिंक भी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।